क्या कहना चाहेंगे सर? राउंड पतंग नीचे से काटी है, गलत भेज। राउंड किसकी थी? अपोनेंट की थी, शाहरुख की। तो यहाँ पे थोड़ा सा पतंग जो है गड़बड़ हुई, जिसका खामियाजा पतंग करवाई जा रही है उनकी। अच्छा, ठीक है, आकाश की पतंग। ठीक ठीक ठीक। तो विभोर जो है ऊपर बुला रहे हैं क्या? ए सही है, ये आपका वाला पेज काट रहे हैं, शागिर्द है क्या? यस। चलो मिलाते हैं। आ जाओ, आ जाओ। ये पेज कहाँ देखा था आपने? ये पेज शकील भाई का सिखाया हुआ पेज है। तो यहाँ पे शाहरुख भाई बहुत ही शानदार पेज, ये मुड्ढा मोड़ के जो काट दिया है, बहुत ही खतरनाक। लेजर के अरविंद है और बहुत ही शानदार ये पेज काटा था। वाइस कैप्टन भी है। तो मतलब वो जब अंदर की तरफ रुख दिखा रहे थे, आपने क्या किया? झटके मारना है दोस्तों, याद रखना है, यही तो करना है। बहुत अच्छा अरविंद जी, बहुत अच्छा पेज। अजीज टूर्नामेंट हुआ था, उसमें शकील ने बहुत मेहनत की थी। जी जी जी, पूरा पूरा दिन लगे रहते थे। अब ये जो सिल्वर हो रहा है, इसमें भी शकील साहब है। सामने वाला थोड़ा उसकी पतंग बढ़ हो गई, इनकी पतंग घट हो गई, तो उन्होंने घट के बेनिफिट देखते हुए कोई अच्छा काट देगा, गद्दा मार दिया। मकर संक्रांति के इस पावन अवसर पे एलकेसीए ने आयोजित की एक काइट प्रतियोगिता, जिसमें लखनऊ की 64 टीमों ने भाग लिया। ये 2 दिवसीय प्रतियोगिता है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर अफेयर की तरफ से भी भरपूर साथ दिया गया है इस काइट टूर्नामेंट को आयोजित करने के लिए। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं हमारे सैयद जी, शारिक जी, सरवत जमाल सर, अब्दुल्ला भाई, कामरान जी और अन्य। तो वहीं अंपायरिंग का दारो मदार संभाल रहे थे मुन्नू जी और पप्पू गुप्ता जी। Welcome to Kite Culture. Seeing monsters at your window. No, you can't sleep, you pretend though. You don't have to play the hero. Cause I got you like you got me. When the earth shakes, when the bombs scream, until our last breath, every heartbeat. दोस्तों पहला पेज देखते हैं, ऊपर का पेज ले रहे हैं, नीचे से फूल बाग। सही बोल दिया एम्पायर ने, सही बोल दिया है। नीचे की तरफ से बढ़ रही है टीम, देखते हैं क्या होता है। बहुत ही शानदार तरीके से ऊपर वाला पहल करके रख रहा है, बिल्कुल नीचे मारा उसने, अंदर की तरफ खड़ा खींचा, बहुत तेज झटके मारे और आखिरकार बढ़िया काट दिया ये। आइए पूछते हैं, अर्पित क्लब के खिलाड़ी ने जी ये अर्पित क्लब के खिलाड़ी थे। हाँ, अर्पित क्लब के खिलाड़ी ने पेज काट दिया है। और सामने कौन थे सर? सामने उड़ान काट क्लब का प्लेयर काट गया। ये बताइए पेज कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा पेज लगा। क्या इन्होंने, क्या सर ने गलती कर दी उड़ान? इन्होंने सीधा मुड्ढा मारा, सीधा मुड्ढा मारा। अगर थोड़ा अंदर की तरफ उतार देते तो वो कर सकता था। तो ये है हमारे फ्रंट अंपायर जो कि इस मैच में अंपायरिंग कर रहे हैं, और देखिए जानकारी भी दी कि क्या गलती करके उड़ान क्लब के काइट फाइटर ने। थैंक यू सर। आइए दोस्तों,
मुड्ढा रख के आने के लिए बोल रहे हैं फ्रंट अंपायर। देखिए नीचे से हैं यम काइट क्लब के मेंबर और ऊपर से हैं फुल बाग। बहुत ही ज़बरदस्त ये टूर्नामेंट हो रहा है। दूरी लगभग 500 मीटर। ये देखिए ले जा के रख रहे हैं ऊपर की तरफ से बहुत तेज, बिल्कुल नीचे लेके जा रहे हैं। उन्होंने अंदर रुक दिखाया है, ये रुके नहीं है, लगातार मारे। बहुत बड़ी गलती मिस्टेक किया है यहाँ पे। जब कोई अंदर की तरफ रुक दिखा रहा है आपको उस पर नहीं मारना है, आपको थपकी मारनी है, रोकनी है पतंग। समझ रहे दोस्तों, सीखते रहे भाई जो ना बहुत बढ़िया अंदर खींच रहे। और ये हमारे अमान भाई, आपने अच्छा इतनी पहल से ही खींच दिया था अंदर, क्या लग रहा था वो ताकत से मारेंगे आप पे? तो ये दोस्तों एक्सपीरियंस है और ये यम काइट क्लब से लड़ाते हैं हमारे वसी हैदर जी के भाई भी हैं। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, भारी भरकम ये खुद हैं और उतनी ही भारी भरकम इनकी पतंग भी है दोस्तों। कोलकाता की पतंगे ये उड़ाते हैं सारे हमारे। ये बहुत नरेश भी मिली हम लोग को अच्छा यहाँ आज तो एसोसिएशन से मिल रही होगी, तो कोई बात नहीं। तो आपके लिए तो ये बहुत हल्की हो गई होगी मेरे ख्याल से। दोस्तों मैं बताऊँ, कन्हाई दा वगैरह के लोगों की ये पतंग उड़ाते हैं और क्या ये अच्छा। हालांकि मैंने अभी मैच नहीं डाला है, जिशान ने जरूर डाल दिया, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। लेकिन मैं जब मैच दिखाऊंगा तो इनके पेस दिखाऊंगा कैसे ये लड़ाते हैं हमारे अमान भाई। बहुत ही शानदार पेच काटा यहाँ पे। ये दोस्तों अगला पेच देखते हैं, ऊपर का पेच ले रहे हैं। सही बोल दिया गया, भाई जाते जाते मिल के जाइएगा जी भैया। एकदम काफी टाइम से आपका वेट कर रहे हैं। नीचे की तरफ से हैं दोस्तों, देखिए बिल्कुल बिल्कुल मिलेंगे दोस्त। ये देखिए बिल्कुल चेहरे के पास खुद ही लेके जा रहे हैं, वापस अंदर किया, ऊपर का पेच ले रहे हैं। नीचे से हैं, ये तो उधर लड़ा रहा है, इकराम तरफ से ही लड़ा रहा है, गोल्ड से देखते हैं टीम, बाद में बताऊंगा कौन है। ये देखिए बहुत ही गलत पेच ये हमारा, बहुत गलत पेच। अगर उन्होंने पहल करके ऊपर खींचा था तो अंदर की तरफ तेज खींचना चाहिए था, और पहले ही पतंग तेज से खड़ी कर लाए थे जो आगे खड़े हुए हैं। देखिए वहाँ पे प्लेयर कौन लड़ा रही है, ऊपर का पेच ले रहे हैं। मुड्ढा रखिए, तेजी से लेके जा रहे हैं। बोलो नहीं कुछ, अभिषेक है मेरे साथ दोस्तों। सही है, सही बोल दिया गया। लगातार पेच चल रहे हैं, ये तीसरा पेच है। पेच सही है, पेच सही बोल दिया गया। बाहर की तरफ खींचा, उन्होंने अंदर रुक दिखाया, बहुत तेज रुक दिखाते जा रहे, वो भी बाहर खींचते हुए तेजी से जा रहे, बहुत तेज खींच दिया सामने के प्लेयर ने, बहुत ही ज़्यादा। देखिए यहाँ पे ताकत का गेम था, रुख तो सही दिखाया था उन्होंने, यही करना भी था, लेकिन यहाँ पे जिसकी ताकत ज़्यादा लगी उसने काट दिया। सिंपल ये पेज का लॉजिक था, इसमें कुछ भी हम आपको एक्स्ट्रा नहीं बता सकते थे कि और क्या करना था। तो भारत काइट क्लब से ये हमारे मेंबर है, क्या गलती रहेगी मेरे भाई, थोड़ा खींच वैसे, क्योंकि मैंने पहले बता दिया था हो सकता है कि आप काट दे, लेकिन खींच से थोड़ा सा, क्योंकि इन्होंने पैतरा बहुत अच्छा अपनाया था। मैं हमेशा आपको यही राय दूंगा कि अगर आप ऊपर से हैं, अगर सीधा ऊपर खींच रहा है कोई, तो अंदर ही उतारना है, जो मेरे भाई ने किया। लेकिन शायद ग्राउंड ने साथ नहीं दिया और खींच ने भी आज साथ नहीं दिया, हालांकि इनका पेच कट गया। दोस्तों सीखते रहें, कोई बात नहीं, कटना काटना तो लग ही रहती है। एकदम सही बात है। सामने देखिए हमारे लेजेंड बैठे हुए हैं सबर जमाल सर, कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र है भाई, आपकी दुआएं हैं। आप बताइए आप ठीक ठाक हैं? मैं ठीक हूँ, पहली बार आज हमारे चैनल पे आए हैं। अच्छा, वो वीडियो वगैरह रहते हैं नाइट कल्चर। अरे नहीं नहीं, बहुत मेहरबानी, आप लोग जो है पतंग को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं। बस और जब से ये मोबाइल आ गए हैं, समझ लिए पतंग वालों को, रवाने वालों को और देखने वालों को बहुत सहूलियत हो गई है। ये बहुत अच्छा आप लोग कार्यक्रम करते हैं कि हर प्रतियोगिता में हर प्रोग्राम में पतंग के शामिल होते हैं, पतंग के खिलाड़ियों का मनोबल बनाते हैं, एसोसिएशनों का भी उत्साह बढ़ाते हैं, हमारे वहाँ डिसिप्लिन में सब लगाते हैं। ये बहुत अच्छा है, इस तरह के छोटे छोटे प्रोग्राम अगर होते रहे तो पतंगबाजी लखनऊ की जिंदा रहेगी। और हमें खुशी है कि आज हमारे लखनऊ में बहुत पतंग के शौकीन हो गए, बड़े अच्छे अच्छे खिलाड़ी हो गए हैं जो आज हमारे लखनऊ का नाम रोशन करते हैं देश में प्रदेश में, और बहुत ही डिसिप्लिन से अब लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जो उनको सीख मिल रही है बड़ों से। तो बहुत खुशी की बात है हमारे लिए और लखनऊ के पतंग प्रेमियों के लिए।
जो दर्शक हैं उनको भी चाहिए कि वो पतंग आके देखें, शौकीन हैं, चाहे वो यंग हो चाहे ओल्ड एज के हों, अगर नहीं लड़ा पाते हैं तो उससे हम लोगों को और बढ़ावा मिलेगा खेल का। तो दोस्तों ये हैं अब्दुल्ला भाई हमारे पास बैठे हैं, ये हमारे एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं जी, और इनका भी काफी सहयोग मिल रहा है हमारी पतंगबाजी के लिए। पतंग का खेल जो है ये प्राचीन खेल है, जमुना तहजीब को बढ़ाता है और उसको कायम करने के लिए हमारे सारे पतंग के प्रेमियों से ये रिक्वेस्ट है कि इसको मेल मिलाप पढ़ाएं, से ताल्लुकात बनाएं और आपसी आपस में मोहब्बत में शौक करें। अब्दुल्ला भाई देखिए दो शब्द कहना चाह रहे हैं, इनकी बात नहीं सर। अब्दुल्ला सर, सर के लिए दो शब्द बताइए आप। दो शब्द तो वैसे कोई शब्द कम पड़ जाएंगे मुझे लगता है, जितने भी शब्द कहूं अगर इस खेल को लेके इनके लिए जो भी शब्द कहूं तो वो कम है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, थोड़ा सा इतना जरूर कहूंगा सर, नीचे के लिए, थोड़ा नीचे के जो आज के सुपर स्टार हैं वो तो सुपर स्टार के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन सर हमारे सरोवर भाई वो स्टार हैं जो राजेश खन्ना देवानंद उस कैटेगरी के खिलाड़ी हैं एकदम, और उसी कैटेगरी में आप हैं और उसी तरीके से मान सम्मान आपका पूरे शहर का पूरे ऑल ओवर इंडिया में है, लोग बड़ा सम्मान देते हैं आपको, बड़ी इज्जत देते हैं, और ये बड़ी खुशी की बात है कि सरोवर भाई हम लोगों के बीच में है और हम लोगों की सरपरस्ती कर रहे हैं। सरोवर भाई बहुत खुशी की बात हम लोग के लिए और तमाम नौजवान खिलाड़ियों के लिए बड़ी खुशी की बात है। सर्वर सर को ऐसा तो टैलेंट जी जी बोलिए ना, एक ऐसा टैलेंट हम लोग के साथ में है, मौजूद हर समय रहता है, जो कि इस खेल के लिए अपने आप को पूरी तरीके से तैयार किया और हमेशा इस खेल के लिए 24 घंटे खड़े रहते हैं। तो ये हमारे अब्दुल्ला सर है, बताया कि किस तरह से सर्वर जमाल सर जो है इस खेल से जुड़े रहे और ऑल इंडिया हो 51 सालों से लगभग लगातार इन्होंने पतंग को देखा है, करीबी से देखा है, कई सारे बड़े से बड़ा टूर्नामेंट जो होते हैं लगभग जीत रखे हैं, और खुद उस्ताद जो आज के उस्ताद हमारे उस्ताद आगा भैयू जी उनको करते हैं, बिल्कुल वो उनके जूनियर हैं और बहुत सम्मान करते हैं, उनसे भी जब मैं पूछता हूँ तो आपका सर नाम जरूर लेते हैं, अगर बेहतरीन पतंग का खेल अगर आपने खेला है तो आपका नाम वो जरूर अपने मुंह से लेते हैं। बहुत अच्छा लगता है वो, हाँ, और इज्जत करता है छोटे बड़ों करता है, उसमें बहुत सी क्वालिटियां हमारी भी हैं जी, और वो पतंग को ज्यादा तवज्जो नहीं देता है, प्यार मोहब्बत को बहुत तवज्जो देता है, एग्जैक्ट शौक के देता है, सब लड़ाने वालों की इज्जत करता है, बड़ों को भी करता है जी, उससे हम बहुत खुश रहते हैं। तो अलशेख का अब गेम होने जा रहा है और सामने है लड़ाने वाले अमान भाई, लड़ाए इससे पहले जो बहुत अच्छा काटा था फूलबाग को, तो कौन लड़ा रहा है? हम्माद भाई जी। आप ही हैं जी? हमाद गजब। तो ये हम्माद भाई हैं, आपने एक बार देखा होगा, एक नहीं कई बार देखा होगा मेरे चैनल पे इनको, शायद मुझे ध्यान है, तो आते रहते हैं भाई। और ये देखिए हमारे दो पेज, बहुत दो ही पेज काटे ना अभी, बहुत शानदार। क्या क्या नाम है आपका? सैफुल भाई। सैफुल भाई किस टीम से? अर्पित काइट क्लब के। बहुत ही शानदार खींच के काट दिया, हालांकि उन्होंने अच्छा उन्होंने किया तो सही चीज थी, अंदर ही दिखाना है, ताकत का मसला था दोनों का, ताकत का मसला, ताकत लगाता वो काटता। तो हमारे सैफुल भाई बहुत ही शानदार दो पीस काटा है, बहुत ही घातक पतंगबाज पतंगबाजी कर रहे हैं ये। आइए दोस्तों डायरेक्ट इस पेज को समझते हैं, नीचे का पेज लेंगे अमान भाई और ऊपर से हम्माद जो कि अलशेख से लड़ा रहे हैं। देखिए नीचे का पेज, थोड़ा सा एंगल मेरा गलत हो गया था, हालांकि पेज दिख जाएगा। देखिए ऊपर कर रहे हैं अमान भाई और ऊपर का पेज ले रहे हैं अलशेख की टीम, देखते हैं क्या करते हैं। धीरे धीरे पतंग ऊपर कर रहे हैं अमान, ये देखिए ले जाके कस के मारा, उन्होंने दिखाया कि बाहर खींचेंगे, रोकी पतंग, बिल्कुल खड़ा ऊपर सीधा खींच दिया, खतरनाक ये पतंग काट दिया, बिल्कुल पेच ऑफ द मैच की तरह ये पेच काटा। जाबाज क्लब से इमरान जी लड़ा रहे हैं, आइए पेच सही हो गया है, तो बिल्कुल ऊपर ही रखा हुआ था पेच को और सीधा सीधा ऊपर खड़ा करते चले गए। ओपन काइट क्लब ने इस पेच को काट दिया है। दोस्तों हमारे साथ एक सीनियर खिलाड़ी भी हैं और बहुत शौकीन भी है, सैयद सर। तो सैयद सर से थोड़ी जानकारी लेते हैं, सर ये प्लान कैसे आप लोगों ने बनाया कि चलिए इस पे कुछ मैच कराते हैं, इतना बड़ा त्योहार है ये जी? ये इंडियन कल्चर मिनिस्ट्री से हमको ये प्रोग्राम मिला है। अच्छा अच्छा, डायरेक्ट मिनिस्ट्री से मिला है, क्या बात है। और उन लोगों ने कहा कि ये आप प्रोग्राम कीजिए यहाँ पे, बहुत सुंदर अमृत महोत्सव जो उसमें हो रहा है प्रोग्राम जी 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 जी। और ये हमने टाइम कम था इसलिए हमने 64 लखनऊ के क्लब ले लिए, वाह, जिससे कि 64 क्लब इन्वाइट करें, वाह। और हमारा ये
जो कल्चर है, जो संक्रांति ये धरोहर जो पतंग की है जी जी, वो कायम रहे मकर संक्रांति पे, कामयाब हो सब, बहुत बढ़िया शौक हो जी जी, आगे भी यही है कोशिश जी। अच्छा, पतंग एक ऐसा शौक है कि हर त्योहार में पतंग बनाई जाती है, बिल्कुल मानते हैं, कोई टीम ऐसा नहीं है हमारी नॉलेज में जो त्योहारों पे बनाया जाता हो, बिल्कुल सर। पतंग बास जो है पतंग का खिलाड़ी, हर त्योहार पे नेशनल हॉलीडे चाहे वो 2 अक्टूबर हो चाहे 26 जनवरी हो, जिस जोश में पतंग बास पतंग मनाता है कोई गेम नहीं मनाता, चाहे वो क्रिकेटर हो चाहे वो हॉकी हो जी, चाहे वो किसी गेम के लोग। बहुत अच्छी जानकारी जी। इस गेम में पतंग को भी और है जी, ये फेस्टिवल के रूप में पूरे हिंदुस्तान मनाया जाता है, बिल्कुल मानते हैं, बसंत में मनाते हैं कुछ जगह, विश्वकर्मा पूजा है, 15 अगस्त के दिन, और स्पेशली हमारे लखनऊ में तो जमगढ़ भी मनाया, जमगढ़ मनाया जाता है, ये हर जगह, दिल्ली के अंदर 15 अगस्त बहुत जोरदार होती है। नहीं सर, जो आप लोग कर रहे हैं ना, इससे हम लोग का जो ये खेल है ये जरूर आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ भी रहा है, और जो बिल्कुल खत्म हो गए थे वो भी वापस आ गए, मैं ये भी देख रहा हूँ। लोहड़ी है, संक्रांति है, बसंत में पंजाब वगैरह में बहुत जबरदस्त, बहुत वहाँ तो जबरदस्त होती है। वाहिद पतंग एक ऐसा है कि जो पूरे हिंदुस्तान में फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है, बाकी कोई गेम नहीं है जो फेस्टिवल के रूप में होता है। जी जी, शुक्रिया सर। ये जो आज हो भी रहा है मैच जी, शायद इन्हीं की देन भी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आगे बढ़ करके जो है मोर्चा संभालते हैं, और जो है क्या नाम है, नहीं नहीं, मोर्चा संभालना एक बड़ी चीज होती है, बिल्कुल सही बात है, मोर्चे पे जो है आगे अगर नहीं होते तो बाकी लोगों को कुछ कहना अजीब है। करेक्ट है, करेक्ट, तो इनके कहने सौजन्य से ही ये समझ लीजिए गेम संपन्न भी हो रहा है, सारा फेस्टिवल जो है क्या नाम है, संपन्न भी हो रहा है, कल्चर जी जी जी, जिन्होंने जो है क्या नाम है, अलग अलग जगह पे किया है, लेकिन हमारा कल यहाँ के ऊपर हमारी वर्चुअल मीटिंग होगी फाइनल के लिए। हमारे सैयद भाई बहुत सीनियर हमारे यहाँ है और अपने जूनियरों को एक एक चीज समझाते भी हैं, और इन्हीं की वजह से ये आज टूर्नामेंट इतना खूबसूरत और इतना शांतिपूर्वक हो रहा है। ऊपर का पेच ले रहे हैं अर्पित काइट क्लब से, पट करवा रहे हैं, पेच सही बोल दिया है, देखते क्या होता है। अंदर की तरफ लेके जा रहे हैं ऊपर की तरफ से अर्पित काइट क्लब के मेंबर, सामने एक और काइट क्लब है, स्क्रीन पे आ रहा होगा, बाहर की तरफ मार दिया, अंदर की तरफ रुक दिखाया बहुत तेज, ये झटके झटके, बहुत अच्छा पेच काट दिया यहाँ पे, बहुत ही अच्छा पेच काटा यहाँ पे, कई सारी चीज़ें एक ही में हो गई, लेकिन यहाँ पे एक्सपीरियंस जो है काम आया। देखिए, उम्र पे मत जाइए दोस्तों, टेक्निक्स पे आपको जाना होगा। लेजर के अरविंद है और बहुत ही शानदार ये पेच काटा था, वाइस कैप्टन भी है, वाइस कैप्टन भी है, तो मतलब वो जब अंदर की तरफ रुक दिखा रहे थे, आपने क्या किया, झटके मारना है दोस्तों, याद रखना है यही तो करना है। बहुत अच्छा अरविंद जी, बहुत अच्छा पेच। दोस्तों अगला मैच चल रहा है, क्या नाम है भाई आपका, अक्षय, अक्षय भाई, अक्षय, अक्षय, सीधे साधे अक्षय है हमारे, किन से है मैच अभी, लेजर, लेजर से, लेजर से, ओके बताया अभी, तो आइए दोस्तों इनका पेस दिखाते हैं, किस काइट क्लब से, जी आहान काइट क्लब, आहान काइट क्लब, ओके आइए दोस्तों ऊपर की तरफ से है आहान काइट क्लब, और नीचे से है लेजर, ऑन कर लो, ऑन कर लो अभिषेक, पेस सही बोल दिया गया है अंपायर ने, पेस सही बोल दिया है दोस्तों, नीचे से लेजर और ऊपर से है आहान, इसके बाद लाल बाग लड़ेगा, देखते क्या होता है, लगातार ऊपर की तरफ से बढ़ते जा रहे हैं, अपना जगह भी बदल रहे हैं लगातार, कंधे के किनारे या पूरा एरिए के चक्कर लगा दिए हैं, ये देखिए कम कर लाए बिल्कुल आहान काइट क्लब के मेंबर, बिल्कुल चढ़ते चले जा रहे हैं, चढ़ते चले जा रहे हैं, बिल्कुल मेरे सामने हैं अभी, वो भी बाहर की तरफ निकाल रहे हैं, देखते हैं क्या होता है, नीचे की तरफ लेके जा रहे हैं, बहुत तेज रख रहे हैं, बाहर की तरफ निकाला, उन्होंने भी अपने बाहर खींचा है, इन्होंने बिल्कुल बाहर मेरे आगे आ रहे हैं, बहुत तेज खींचते चले जा रहे हैं, खींचते चले जा रहे हैं, बहुत ताकत से काटा यहाँ पे, शानदार ताकत लगा दी यहाँ भाई ने। शालम भाई क्या गलती कर गए सामने वाले, सामने वाला थोड़ा उसकी पतंग बढ़ हो गई, इनकी पतंग घट हो गई, तो उन्होंने घट
के बेनिफिट देखते उन्होंने पेज अच्छा काट दिया, गद्दा मार दिया। इनमें झोल था ही नहीं, इनमें झोल मेंटेन नहीं, इनका झोल बिल्कुल नहीं था ऊपर वाले का, नीचे वाले की पतंग बढ़ के कारण कट गई है, तो वो अपना झोल मेंटेन नहीं कर पाया और ऊपर वाले का झोल मेंटेन था, इसलिए इसने गद्दा अच्छा मार दिया। ये हमारे शालम भाई यम काइट क्लब के दोनों भाई लोग हैं और अब तक लगातार पेज काट के आगे रहे हैं। कम कर लिया। बहुत अच्छा पेज काटा। सामने वाले ने क्या गलती की ये बताइए पहले तो आप। मिलो बढ़ दे दी हमने उतार के गद्दा मार। बहुत अच्छे, ये चालाकी दोस्तों, पूरा ग्राउंड कवर कर दिया था इन्होंने लगातार, और यही यही होता है टेक्निक्स, अगर आप जानते हैं तो आप इस तरह लड़ा डालेंगे। बहुत अच्छा पेज काटा, ताकत से वो भी। शानदार ये पेज काट दिया यहाँ पे भाई ने, बस रहने दो, काट दिया उन्होंने, हटा दो। तो यहाँ पे हमारे भाई ने काट दिया, बहुत ही अच्छा पेज काटा आपने। तो मतलब आपने क्या किया आखिरी में, झटके मारे? हल्के झटके मारे। उनकी पतंग हल्की पड़ गई कहीं ना कहीं, तो इसका फायदा उठाइए, सब कुछ सीखना है दोस्त। क्या नाम है आपका? सनी फायदा है। किस क्लब से हैं? ईगल फाइटर। ईगल, तो ईगल काइट, ईगल फाइटर काइट क्लब है इनका। और सनी भाई ने बहुत ही शानदार तरीके से मौके का फायदा उठाया, हवा में नहीं थी पतंग, बाहर निकलता हुआ झटका मारा, सीखते रहे। तो दोस्तों ये देखिए अंशुल गुप्ता आए हुए हैं, यही है पहले जो मेरा बड़ा वाला गिव अवे था वो जीते हैं। और कौन से, कैसे आए हो, मतलब क्या कोई टीम है? सदर क्लब है, लड़ रहे ना। अच्छा, तो वही आपकी टीम है, तो आपकी टीम से कौन लड़ा रहा है? आज कौन लड़ा है? आज तो कोई एक ही लड़ाएगा ना आज। हाँ, जहाँ तक सब भाई लड़ाएंगे। अच्छा, ओके ओके। तो ये है दोस्तों अंशुल गुप्ता, और इन्होंने जीता है गिव अवे, आपको बहुत बहुत बधाई। ये देखिए दोस्तों सब खतरनाक ये मेंबर्स बैठे हुए हैं, एक्सीलेंट से। कप्तान साहब क्या नाम है सर? ये है कप्तान एक्सीलेंट। अच्छा अच्छा अच्छा, आपसे तो मैं मिला हूँ। सागर छोड़ चुके हैं। अच्छा, हम मस्ती कर रहे हैं। तो आप, आपकी टीम? हमारी भैया एक्सीलेंट ही है। एक्सीलेंट ही है। एक्सीलेंट ने अभी लड़ाया है क्या? अभी नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, आलोक भाई भी यहीं बैठे हुए, देखिए सारे टीम मेंबर्स हैं, बहुत ही खतरनाक ये भी सारे। एक तो आप देख ही रहे हैं, हमारे आलोक भाई भी बैठे हुए हैं, उनके बारे में कुछ बताना ही नहीं, बाकी जो हैं फेस सही है। अभिषेक ये देखते हैं इस पेज को, रख रहे हैं, बिल्कुल रखते चले जा रहे हैं, वो पतंग चमका रहे हैं, अंदर की तरफ रखे हुए हैं, उन्होंने बाहर की चाहिए, उन्होंने अंदर की तरफ रुक मारा है, बहुत तेज खींचते जा रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं, झटके चल रहे, वो कटाया के नीचे वाला, और ये पतंग उड़ गई पतंग, बहुत अच्छा पेज काटा। कौन सा हाथ है? ये पेज देखते हैं दोस्तों एक बार फिर से, रखा नीचे की तरफ खींचा, उन्होंने बिल्कुल ऊपर खड़ा खींचा, नीचे वाले कटना चाहिए, ये कटे नीचे वाले, बिल्कुल सीधा ऊपर खड़ा खींचने से ये हो गया कि इनकी पतंग बिल्कुल एक तरह से खड़ी हो गई, और सामने से भी लड़ा रहे हैं, समझ रहे दोस्तों। यहाँ पे पतंग रोक के बिल्कुल अंदर तेज खींचना था, लेकिन वही है कि झोल तो बनता ही। ऊपर का पेज एक और टीम ले रही है दोस्तों, उन्होंने नीचे किया, ये और मांझे के ऊपर लेके जा रहे हैं, अंदर लेके आ रहे हैं नीचे वाले, पेज की दूरी 400 मीटर, बिल्कुल तेजी से अंदर की तरफ उतार रहे हैं, ऊपर की तरफ से उन्होंने पतंग बिल्कुल रोक लिए, बहुत अच्छा पेज काट दिया, बहुत ही अच्छा पेज काट दिया, खुद ही जाके सुसाइड करना इसे बोलेंगे, जब कोई अंदर रुख दिखा रहा हो बस आपको पतंग रोकनी है, याद रखिएगा ये चीज़।
ये कंप्लीट हो गया। एक देखिए कल ईगल फाइटर और यम का लड़ेगा और लेजर का और अर्पित से। एक बार फिर से सर कंफर्म कर दीजिए, कल पूल का लेजर का और अर्पित का लड़ेगा थर्ड राउंड और यम क्लब का ईगल फाइटर से थर्ड राउंड लड़ेगा। ओके, तो ए कंप्लीट, फुल सी का लड़ने जा रहा है। सी का अब हम लोग दिखाएंगे लड़ने जा रहा सदर कैंट यम हुसैनाबाद। ओके शबू भाई, ओके शबू भाई, चलिए करेक्ट 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 भाई। आप कल मिलिए संजीव, जरूर 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 भाई, कि आप खासी मित्र हैं। हम समझिए हम लोग तो काफी बातें करते हैं ग्रुप में तो हमारे जी भैया एकदम, हम इसीलिए आज चाह रहे थे आपसे मुलाकात होना आज। जरूर जरूर, आज हमारी आपकी मुलाकात हो गई, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। हमारी टीम वो है जी जी, हमने लेफ्ट हैंड मिलाया राइट हैंड ने टार्च जीत लिया। ये हमारा सदर कैंट है। ओके सदर कैंट, ओके ओके। तो अभी आप लड़ाने जा रहे हैं? बस हमारे तरफ से रिजवान भाई लड़ाएंगे, रिजवान भाई लड़ाएंगे। चलिए चलिए मिलते हैं सर। तो दोस्तों एक और काइट क्लब है हमारे बीच, सर गर्मिया, और इनसे लड़ाएंगे स्नेह हमारे भाई। अच्छा जो जिससे स्नेह लड़ाते हैं वो है भारत काइट क्लब, और मनीष लड़ाएंगे सर गर्मिया से। ओके, तो मनीष तो हमारे जो है बचपन के दोस्त हैं और क्रिकेट साथ ही खेलते थे, तो बताइए हम कैसा खेलते थे? बहुत अच्छा। क्या करते थे हम? बैटिंग बॉलिंग दोनों ऑलराउंडर थे। मनीष जो थे मेरे सामने आते थे स्पिन लेके, इनकी बॉल कोई नहीं खेल सकता था मेरे अलावा। क्यों मनीष? जी हाँ, लेग स्पिनर। हाँ बहुत खतरनाक लेग स्पिनर थे, जरा सा चूके तो पीछे से ऑफ स्टंप उड़ता था पहला वाला, तो इतनी ज्यादा ये स्विंग करते थे और बिल्कुल शेन वॉन के टाइटल से जाने जाते थे टेनिस क्रिकेट में हमारे यहाँ। तो ये है मनीष, मनीष लड़ाएंगे सर गर्मिया से। किससे है अभी पहला? अभी तो मेरा नहीं, अभी तो डी पूल डी में है। अच्छा डी में आप हो, आप आए हो साथ देने है ना? हाँ। कौन सा मान जाइए? मन्नू। अच्छा मन्नू भाई का मान जा, चांद नियाजी के नाम से जाने जाते हैं। तो एक और हमारे भाई हैं और साथ में ये काइट कल्चर के व्यूअर भी हैं। बिल्कुल, बहुत ज्यादा भाई, बहुत ज्यादा पसंद है काइट कल्चर हमको तो। हाँ। हर वीडियो आपकी देखते हैं, हर वीडियो टाइम करते हैं कि जल्दी से आपकी वीडियो आए, अच्छी से अच्छी। हाँ। वीडियो देखिए और लाइक करें, शेयर करें उसको। तो मतलब पेज वे समझ में आते हैं जी? बिल्कुल, सीखने को मिलता है कि नहीं? सबसे ज्यादा हम यही आपसे कहना चाह रहे थे कि हम जितने पेज अच्छे जो सीखे वो कैट कल्चर ही से सीखे, वरना तो ऐसे तो बस हम लोग बस अंदर बाहर दौड़े निकाल दिया। जब से ये आप चैनल आया ना, हम लोग को बहुत से पेज समझ में आया कि हम लोग कहाँ पर गलती करते हैं। करेक्ट है, बिल्कुल, और वही से सीख के अब अच्छे पेज लड़ा रहे हैं। हर आदमी कह रहा है कि हाँ पेज सीख रहे हो। क्या नाम था? मोहम्मद अनस कुरैशी नाम है मेरा भाई। अनस भाई ने बताया कि किस तरह से इन्होंने सीखा। देखिए दोस्तों मोटो यही है मेरा, सिखाने का मोटो है, चाहे वो क्लब फाइटर हो चाहे वो मेरे ऐसा नया हो सर, तो जो आए सीखे इस चैनल पे। इसलिए मैं रिप्लेस दिखाता हूँ, इसलिए मैं कम मैच दिखाता हूँ, इसलिए मैं कम पेज दिखाता हूँ। कुछ पेज यानी 7 से 8 पेज देखिए, क्योंकि लगभग सारे पेज तो वही होते हैं ना, मेन होती है टाइमिंग का खेल। तो जब क्लब फाइटर भी सीख रहे हैं तो आप भी सीखिए दोस्तों इस चैनल से। सामने हमारे जिशान भाई हैं और लगातार वो भी कवर कर रहे हैं। दोस्तों ये मत सोचिएगा कि मैं क्यों नहीं बता रहा हूँ कौन किससे लड़ा रहा है, मुझे उससे मतलब नहीं। खैर जो लेफ्ट हैंड साइड की पतंग है वो नीचे से है और जो राइट हैंड साइड की पतंग है वो ऊपर से है। सिर्फ पेज देखिए, पेज सीखिए, आखिरी में बता दूंगा कौन कौन क्वालिफाई किया अगले राउंड के लिए, ठीक है ना दोस्तों। नीचे किया उन्होंने, देखिए निकलता हुआ मारा, इन्होंने पट मारा बिल्कुल क्रॉस नीचे की तरफ और आखिरी में एक थपकी मारी और नीचे जो है ना गोमती नदी बह रही है। तो जैसे ही किसी नदी के पास आसपास पतंग या आपका मांझा जाएगा वो डगमगा जाएगा, समझ रहे हैं? तो वही हुआ, जो नीचे गद्दा पड़ रहा था उसमें आखिर में हवा ही नहीं लगी, उन्होंने आखिर में एक थपकी मार के आराम से ये पतंग काट दी। लेकिन बहुत शानदार ये पेस था। सदर कैंट 11 से लड़ा रहे थे अनस भाई, बहुत ही करारा गद्दा निकलता हुआ मारा है
और बिल्कुल रोका नहीं होते। तो ये अनस भाई हैं, उम्र पे मत जाना भाई, ताकत बहुत लगा दी, ताकत लगा दी। बिल्कुल भाई। क्या गलती किया सामने वाले ने? अनस सामने भाई ये गलती करा कि हमने पतंग पट करी। हाँ। निकलती हुई पतंग पे गद्दा नहीं मारना चाहिए, उसने पतंग रोकी नहीं। हाँ। तो हमारा झोल जो टाइट था, हाँ। हमने नीचे एकदम पट दिखा दी, बाहर का रुख दिखा के अंदर दिखा दी। वाह, ये है अनस। बहुत अच्छा है अनस, बहुत। सिकंदर भाई, वकील भाई, अच्छा अच्छा, समझाया हुआ, ओके ओके, जो उन्होंने कहा वही किया। बहुत बढ़िया, ये है ताकत का खेल। और ये देखिए अंशुल जीते हुए हैं। तो दोस्तों अब हमारे साथ एक और टीम खड़ी है, क्या नाम है? तेली बाग काइट क्लब से, क्या है जरा बताइए? कैप्टन। कैप्टन क्या नाम है भाई? विपुल खत्री। विपुल खत्री, विभोर, विभोर, विभोर खत्री, क्या खूबसूरत नाम भी आपका। और भाई? आशीष शर्मा, सचिव हमारे, विक्की सर। अच्छा, विक्की। एहसान। एहसान भाई, तो किससे मैच पड़ा है पहला? हमारा पड़ा आकाश से। आकाश से, कौन लड़ाएगा? अरे वाह, कप्तान साहब ही लड़ाएंगे भाई। विभोर भाई, तो कैसा लगता है वैसे काइट कल्चर? बहुत अच्छा भाई, वीडियो बहुत अच्छी बनती है, एंटरटेनमेंट भी हो जाता है। हाँ। और कुछ सीखने को भी मिलता है हमें आपके वीडियो से, बहुत सी चीजें हमने आपके पतंग जो सीखी, कुछ चीजें आपकी वीडियो से सीखी हैं। तो इसलिए मैं आपको थैंक्स कहना चाहूंगा कि आप इतनी अच्छी वीडियो बनाते हैं। हाँ। और ऐसे बनाते रहिए भाई, बस हम लोग को एंटरटेनमेंट करते रहेगा। जी जी, आपको सिखाई वीडियो, मजाक नहीं। तो दोस्तों देख सकते हैं आपकी, सिर्फ आप नहीं सीख रहे हैं, यहाँ क्लब फाइटर्स भी सीखते हैं, क्योंकि जो सामने वाले पेच लड़ाने वाले होते हैं वो टॉप क्लास के होते हैं प्लेयर्स, है ना सर? जी भाई। और ये भी सारे टॉप क्लास के ही हैं, समझे रहिए, जुड़े रहिए, जोड़ते रहिए दोस्तों काइट कल्चर के साथ। फट करके सही करने को बोला जा रहा है। नीचे का पेच लिए हैं सर गर्मिया से मनीष, नरही में रहते हैं मनीष, इनकी पतंगे अक्सर मेरे घर पे आती है और मेरी पतंगे अक्सर इनकी तरफ चली जाती है जब हवा होती है आगे पीछे की। खैर देखते हैं अभी क्या करते हैं, नीचे से पतंग ऊपर लेके आ रहे हैं मनीष, चक्कर दे रहे हैं अंदर की तरफ, बड़े नीचे की तरफ से ऊपर का पेच ले रहे हैं खिलाड़ी, बाहर की तरफ निकाल रहे हैं बहुत तेजी के साथ, देखते हैं क्या होता है। थोड़ा टाइम लगा रहे हैं, ज़्यादा देर होने पे भी एम्पायर्स जो हैं पेच को कैंसिल कर देते हैं, दोबारा तैयारी करने के लिए बोलते हैं। हालाँकि बिल्कुल तैयारी ले ली गई है, ये रख रहे हैं मनीष, बाहर निकाल रहे हैं मनीष का मुड्ढा सही नहीं चल रहा है या फिर हवा नहीं लग रही है, वो तो बात की बात है। और तेज अंदर की तरफ से ले चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं, रुक नहीं रहे, गलती है, बिल्कुल सीधा उन्होंने मारा, बहुत ही शानदार पेज ये काट दिया, बिल्कुल झोल पे रख दिया गद्दा और आसानी से काट दिया। क्या कहेंगे इस पेज के बारे में? ये पेज इनको फुल खींचना चाहिए था मनीष को, मनीष को फुल बाहर खींचना चाहिए, काट देते, बाहर की तरफ खींच लेना चाहिए था, गलती कर गए, यही मैं कह रहा था दोस्तों कि इनका मुड्डा सही नहीं चल रहा है क्योंकि हवा नहीं थी और सर ने भी यही बताया। ये इत्तेफाक काइट क्लब से हैं इरफान जी, और सामने कौन है टीम? न्यू मुगल। तो आइए दिखाते हैं कैसे जो एक्सपीरियंस्ड प्लेयर होते हैं कैसे लड़ाते हैं। इरफान जी हमारे साथ हैं, हाँ इन्हीं का, इन्हीं का, इन्हीं का, हाँ ऊपर से इत्तेफाक सर हैं दोस्तों, हाँ बस ऊपर के तरफ लेके जा रहे हैं, उन्होंने बाहर खींचा, उन्हें रोका, अंदर पतंग चढ़ाई, रोकी पतंग, थपकी मार रहे, थपकी मारे, बहुत अच्छा पेच काटा, बहुत शानदार पेच काट दिया यहाँ पे, झोल पे रख के बिल्कुल थपकी मारी थी,
कितना भी तेज आप खींचने वाले हों, अगर आपको समझ में आता है झोल कैसे काटना है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो इरफान, इरफान जी ने जो ये पेच काटा, ये बताइए क्या गलती रहेगी वहां से? वहां से उनका ढीला ढीला कट गया बस। आपने झोल पे ले जाके रखा और झटके मार दिए। बहुत शानदार सर। तो ये नॉलेज कैसे मतलब आएगी कि कहाँ झोल है? ये तो तजुर्बे से आती है भाई, आप लड़ाते रहिएगा तो तजुर्बे से आएगी। इस तरह से तो ऐसी बात है कि आदमी जब ज्यादा लड़ाएगा पतंग तो ज्यादा प्रैक्टिस ज्यादा अभ्यास। शुक्रिया। आइए दोस्तों अगला पेज देखते हैं। ऊपर से कौन है सर? ऊपर से गुड लक ऊपर से, और नीचे से है गांधी। शहर के बहुत सारे नाम वाले क्लब्स यहाँ पे मौजूद हैं दोस्तों, सबके नाम तो नहीं आ रहे फिलहाल। ऊपर से गुड लक, नीचे से गांधी। ये देखिए ले जाके रख रहे हैं, अभी रख रहे हैं, रोका नहीं उन्होंने, मुड्ढा घुमाया बिल्कुल सीधा ऊपर खड़ा खींच लिया है। लेकिन ये देखिए क्या शानदार पतंग काटी, एक बार जो उन्होंने रोका था ना वहीं पर गलती हुई थी। यहाँ पे ऐसा है कि अगर आप खींच रहे हैं तो खींचिए, फिर रोकिए नहीं। तो पप्पू सर बता रहे थे क्या गुड लक ने यहाँ पे अच्छा किया? गुड लक के प्लेयर ने नहीं काटा, उसकी पतंग ने काटा है। पतंग जब उसने ये मारी सीधी, हाँ? तो पतंग अंदर को मूवमेंट कर गई, पतंग काम कर गई, पतंग ने काट दिया। खूबसूरत प्लेयर को ही जाएगा, रील ने काटा, पतंग प्लेयर को ही जाएगा। ये हंसी मजाक, पतंग ने काटा ना रील ने काटा जी, ये पतंग ने काटा। बहुत अच्छा पेज काट दिया, पेज को, अरे वही दूसरा पेज दूसरा दिखा। चलिए एक्सप्लेन करिए, नीचे से पेज ले रहे हैं कम हो रहा है, हाँ। शायद कोशिश है इनका पेज पे, चलो पेज सही हो गया, लड़ाओ, हो गया बस, सही हो गया नीचे से, हाँ पेज सही है, घेर के फिर बाहर, फिर नीचे वाले का थोड़ा काम कर, नीचे वाला कह रहा है कि ऊपर वाला नीचे आए तो हम पीछे। अच्छा, मुझे लग रहा है अब तैयारी हो गई है, ये मारा तैयारी खींचा ऊपर वाले कट्टा मारा, ये कट गया, ये इनकी गलती ये थी कि इन्होंने सारा दिमाग खाली कराने में लगा दिया, जब पेच लड़ाया इन्होंने तो हाथ में आ गया सीधा, दम खत्म हो गई, दम खत्म हो गया, सारा दम इन्होंने खाली कराने। देखें एक बार फिर से। क्या नाम है भाई? शाहरुख भाई का पेज होने जा रहा है। एक एक बुड्ढा लाइए अंदर, एक बुड्ढा आप भी हाथ की तरफ रखिए, बंद करके हमें देखिए, कील है फिर दे। शकील भाई एक्सप्लेन करिए, ऊपर का पेच है विभोर का, विभोर ऊपर से, विभोर ऊपर से, शाहरुख नीचे से, पी लिया हमको, दे दे, हाँ हाँ दे दे, शाहरुख नीचे से। तो विभोर जो है ऊपर बुला रहे हैं क्या? ऊपर बुला रहे हैं थोड़ा सा, ए सही है, शाहरुख ने बाहर देखिए दिखाया हमको, फिर ये भागे और विभोर ने रखा हल्का सा, शाहरुख ने चढ़ा के आसमान लिया, विभोर ने गद्दा मारा, शाहरुख ने इसको खड़ा अंदर फेंक दिया और ये झटक दिया, काटा। ये आपका वाला पेज काट रहे हैं शागिर्द है क्या? यस। चलो मिलाते हैं, आ जाओ आ जाओ। भैया
पेस सही। क्यों मैंने बोला ये? अरे हमें खबर कैसे लगेगी भैया जब बुलाएंगे नहीं हमें। हाँ वो तो बात सही है। शकील भाई दो दिन पहले बता देते हैं, इस दिन ना खाली होना, मतलब ऊपर का पेट लीजिए। बताइए शकील भाई। बड़ है बहुत है ऊपर वाला। हाँ छोड़ पकड़ ठीक है। ऊपर वाले ने रखा नीचे वाले ने अभी आराम से चलाया फिर इसको और खींचा। गलत खींचा तो गलत खींचा, मैंने पहले ही बोल दिया था शकील भाई। लेफ्ट हैंड लेंगे। ये हमारे कामरान भाई बहुत शानदार पिच काट दिया अभी। थैंक यू ऑल द बेस्ट। हाँ दोस्तों हमारे साथ हैं शारिक सर जो कि 1090 के का पूरा इंचार्ज हैं, पूरा सब कुछ देखते हैं ना सर। शारिक सर तो कैसे ये आइडिया आया कि ऐसा कुछ मैच कराते हैं इस बढ़िया अवसर पे जो कि मकर संक्रांति है, पूरे भारत में मनाई जाती है? देखिए ये मकर संक्रांति का प्रोग्राम पूर्वजों के समय से चला आ रहा है और खास करके मकर संक्रांति गुजरात में एक बहुत बड़े उत्सव के रूप में बिल्कुल मनाया जाता है। हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर मोदी साहब जी स्वयं इस दिन पतंग उड़ाते हैं। बिल्कुल इसी के कह लीजिए कि अंतर्गत केंद्र सरकार की एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल। हाँ करेक्ट है। उसके अधीन एक प्रोग्राम हम लोग को मिला, लखनऊ काइट कंट्रीज एसोसिएशन को हमें हायर किया गया और बताया गया कि ये प्रोग्राम आपको लखनऊ में करवाना है। तो हमने उसको बोला कि ठीक है हम करवाएंगे। LKCA की तमाम टीमें यहाँ पे आज मौजूद हैं जी और एक बड़े स्तर पे ये प्रोग्राम कराया जा रहा है। ये दो दिन का प्रोग्राम है, दो दिन का है जी, आज और कल जी जी। और इसमें नगद 11,000 रुपया फर्स्ट प्राइज है। अच्छा मतलब विनर को 11,000 रुपया फर्स्ट प्राइज है, सेकंड को 7,000 रुपया, ऐसे ही करके थर्ड फोर्थ प्राइज है। अच्छा इसके और मेमेंटो भी है। ओके और 64 टीम जो आ रही है उन सबके लिए कोई ना कोई गिफ्ट जरूर है। क्या बात है। भारत सरकार ने हमको ये बताया कि आप अच्छे से कराइए और जो भी करा सकते हैं कराइए जी। सरकार पूरे सहयोग में है, खास करके गृह मंत्री अमित शाह। क्या बात है। जिसके लिए हमने यहाँ जिलाधिकारी महोदय को परमिशन दिया था, चूंकि चुनाव का समय है। हाँ। और चुनाव आचार संहिता लगी हुई है जी, और जिले के निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी होते हैं उनसे परमिशन हमने दे रखी है जी, और LDA से ले रखी है। और वैसे भी इस मैदान पे मैं लगभग 20 साल से काफी समय बिता दिया जी। तो यहाँ पे एक ही प्रोग्राम बहुत भव्य स्तर पर और अच्छा प्रोग्राम होने जा रहा है जी। जिसके लिए हम सबसे अपेक्षा भी करते हैं कि सब लोग सहयोग करें। नहीं नहीं जरूर। एक आखिरी मेरी बात यह है कि लखनऊ की पतंगबाजी को अगर वाकई में अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ले जानी है जी, तो कुछ पतंगबाज जो लखनऊ के इस टाइप की धारणा लगते हैं कि ये यहाँ नहीं लड़ा सकते, वो वहाँ नहीं लड़ा सकते। आज़ाद भारत में सबको आज़ादी है, सब कहीं पे लड़ाने की, उड़ाने की, अपना शौक पूरा करने की। किसी की बंदिश में बन के कोई पतंगबाज नहीं रह सकता। जो लोग ऐसा करते हैं वो सरासर गलत है। सबको उड़ाना चाहिए, सबको लड़ाना चाहिए। कुल मिला के शारिक सर का ये कहना है कि खेल है दोस्तों और सबका अधिकार है, कहीं से भी खेले। कलेक्शन भाई हमारे भाई का क्या नाम है? अच्छे लड़ते
एक्सीलेंट से काजिम, तो एक्सीलेंट से काजिम भाई हैं और अपने कुछ दिखा रहे हैं कलेक्शन, वही मैं दोस्तों आपको दिखाता हूँ। देखिए ये चील काठ की पतंगे रखे हैं, तेज तर्रार खुद भी दिख रहे हैं, तो पतंगे भी वैसे ही। देखिए ये देखिए कन्हैया की पतंग है, कलकत्ता की काफ़ी पतंगे हैं दोस्तों आपके पास। ये देखिए कितनी भारी भरकम गोल गोल पतंगे रखे हैं सब, फटाफट दिखा रहे हैं क्योंकि समय नहीं है। उस्ताद असगर जी की फ़ोटो, फोटो वाले जो असगर हैं, ये देखिए सारे कारीगर मिलेंगे। बच्चा भाई की, बच्चा भाई तो बहुत फेमस है, देखते जाएं फटाफट दोस्तों। ये देखिए काजिम भाई के पास बहुत ही अच्छी पतंगे हैं। फूलबाग का अनाउंसमेंट हो रहा है यम काइट क्लब से, जल्दी जल्दी दिखा रहे हैं। बच्चा भाई की काफी पतंगे, देखते जाइए दोस्तों, खूबसूरत इनके पास है। वाहिद, वाहिद जी की पतंगे, पुराना फरमा है, पुराना फरमा। राजा की पतंग, राजा मुरादाबाद, मुराद। ये देखिए दोस्तों वसीम टिकली, वसीम टिकली की, बिल्कुल बिल्कुल खूबसूरत। ये देखिए कुल मिला के आप चीज़, एक चीज़ और नोटिस कर रहे होंगे, एक चीज़ और नोटिस कर रहे होंगे, वो ये है कि प्लेन पतंग है दोस्तों, ये क्लब फाइटर्स हैं। हाँ ये देखिए कितनी भौकाली पतंग, दीप कुमार जी की पतंग है, बहुत अच्छे। बाकी भी सारे प्लेयर्स देखिए उधर से आ रहे हैं, और ये देखिए खूबसूरत पतंगे हैं हमारे। काजिम, काजिम एक्सीलेंट, एक्सीलेंट काइट क्लब, एक्सीलेंट काइट क्लब से काजिम है हमारे साथ दोस्तों। और ये देखिए कितनी प्यारी पतंग है, वाह। और ये सारी पतंगे आपको मिल जाएंगे साई काइट एम्पोरियम हमारे हेमंत भाई के पास। हेमंत भाई की ज़्यादातर पतंगे, ज़्यादातर पतंगे वहीं की हैं। ये देखिए बच्चा भाई, ये देखिए बहुत, ये बहुत अच्छे, बहुत, ये सब दूरदार की मारू पतंगे हैं सब दोस्तों। बच्चा भाई की पतंगे बहुत ज़्यादा रखे हुए हैं। ये देखिए काजिम भाई जो एक्सीलेंट वाले हैं, बहुत दिन से तो आपको ढूंढ रहे थे। अरे भाई कॉल कर लेते, मैसेज कर लेते, आज यहाँ पे मिल गए इसीलिए भर के मिला है। दोस्तों हमारे काजिम भाई की पतंगे देख रहे हैं आप, कितनी खूबसूरत। और ये देखिए कलर, कलर देखिए बहुत ही अच्छे। ये देखिए और उस पर जो स्टिकर लगाए हुए, और चार चांद लगा दे रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए बहुत अच्छे काजिम भाई, दिल खुश हो गया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शब्बन सर की नहीं, अरे असगर उस्ताद की, असगर उस्ताद। पतंग देखिए, ये वाली पतंग देखिए दोस्तों, बिल्कुल। तो ये हैं हमारे एक्सीलेंट के काजिम भाई, जो लगातार खटाखट खटाखट पतंगे दिखा रहे हैं। समय नहीं है, बिल्कुल एक एक पेज का ये नॉकआउट गेम होने जा रहा है दोस्तों। बच्चा भाई की पतंग है, ये वाले फर में तो मेरे पास भी है। वली रहमान जी की पतंग देखिए, ये देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे काजिम भाई। और लोग जो देख रहे होंगे, दो चरखी दिखा दो, चरखी दिखा दीजिए, चरखी लेके आए बस। अच्छा अच्छा, दो चरखी लेके आए हसीन लल्ला का। ये देखिए सिक्स रील है दोस्तों, तो कोई कोई ये कहता है ना कि छह रील गड़बड़ बनती है, ऐसा कुछ नहीं है, सब में मेहनत। बढ़िया, बहुत सुंदर गुरु जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों देख रहे हैं, मांझा है हसीन लल्ला, और दूसरा क्या है, अच्छा निसार खान का मांझा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे काजिम भाई, एक्सीलेंट से थे दोस्तों। देखिए कन्ने बन रहे हैं। तो दोस्तों खिलाड़ी खड़े हैं हमारे साथ न्यू मौलवीगंज से, और देखिए इनके हाथ में पतंग है नरेश भाई की, ज़रा उनका मोहर दिखा दीजिए। और दोस्तों पतंग बहुत ही शानदार बनाई है, ये देखिए मोहर और नंबर। क्या नाम है दोस्त आपका? दानिश भाई हैं, किससे लड़ेगा आप? चलिए खैर कोई बात नहीं, बहुत सारी टीमें, कंफ्यूजन है, एक्सट्रीम से लड़ेगा। और ये नरेश भाई की पतंग बहुत ही जानदार पतंगे बनाई, और ये एसोसिएशन ने हर टीम को दो पतंगे दी हैं, इन्हीं पतंगों से लड़ाना है गेम। मैं बढ़िया भाई, कौन सा क्लब है? आरपी। ओके थैंक यू, थैंक यू। कौन लड़ाएगा आपकी तरफ से? ये लड़ाएंगे सचिन, सचिन भाई लड़ाएंगे। तो आरपी काइट क्लब है, देखिए दोस्तों स्टिकर भी लगा हुआ है यहाँ पे, और सचिन भाई देखिए। दिखाते हैं इनका पेज। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको पेज समझ में आए होंगे। हालांकि इस टाइम मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं दी, क्योंकि आज ही, यानी आज तो खैर 14 तारीख हो गई,
13 ही तारीख को मैंने शूट किया और पूरे रात इस टाइम जो समय हो रहा है मैं बता दूं आपको 3:39 यानी 3:39 AM ओके, तो लगभग 4 बज रहे हैं और अब मैं अभी भी मैं एडिट कर रहा हूँ फिलहाल, ये सारे फुटेज लगा दे रहा हूँ खींचने के, प्लेयर्स कैसे खींचते हैं तब की मारते हैं। और एक गुजारिश और करूँगा क्योंकि मकर संक्रांति है तो प्लीज़ नायलॉन चाइनीज़ ये सब मत उड़ाइए, ये सारे देखिए कैसे खींच रहे हैं लोग, समझ रहे हैं कितना तेज़ खींच रहे हैं, कहने का ये मतलब है प्रॉपर आप काइट फ्लाई करिए, 1-2-3 का धागा कॉटन धागे से उड़ाइए, ठीक है ना दोस्तों। और आप सभी को हैप्पी लोरी और मकर संक्रांति की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और खूब सारी पतंगे उड़ाइए और इस भाई की खींच देखिए। Side by side.